लेकिन हम जो आए थे तो 2-3 महीना से चलिए ठीक है, तो आपको देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमने टेंस आपको बता दिया, वॉइस बता दिया है ना, ये सारा तो क्लियर हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे और आपको ट्रांसलेशन बोल के बताना है, ठीक है। बच्चे सभी लिख करके तो बनाते हैं लेकिन आपको बोल के बताना है, ठीक है। माइक वगैरह ठीक है आपका? यस। चलिए, तो तुम सीख रहे हो? यू आर लर्निंग। तुम ग्रामर सीख रहे हो? यू आर लर्निंग ग्रामर। तुम ग्रामर सीख रहे हो जो कि इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए? यू आर लर्निंग ग्रामर विद इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। मैं जानता हूँ। आई नो। मैं जानता हूँ आप इस काम को कर सकते हैं। आई नो यू कैन डन दिस वर्क। मैं जानता हूँ कि आप लिख सकते हैं। आई नो यू कैन राइट। मैं जानता हूँ कि आप खेल सकते हैं। आई नो यू कैन प्ले। क्योंकि आप एक प्लेयर हैं। बिकॉज यू आर अ प्लेयर। आपने प्रैक्टिस किया है। यू हैव प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस किया है घंटों। यू हैव प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स, मेनी आवर्स। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास पोटेंशियल है। आई नो यू हैव पोटेंशियल। तुमने इस काम को बहुत बार किया है। डू यू हैव डन दिस वर्क मेनी टाइम्स। मैंने देखा है कि तुमने गरीबों की मदद करने की कोशिश किया है। आई हैव सीन यू कैन ट्राई टू हेल्प द पुअर। हाँ, तुम क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग? क्यों खेल रहे हो? व्हाई आर यू प्लेइंग? कैसे बोल रहे हो? हाउ डू यू स्पीक? मैं बोल रहा हूँ। आई स्पीक इंटरनेट की सहायता से। आई एम स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ टीचर की सहायता से। आई एम लर्निंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ टीचर। व्हाई आर लर्निंग इंग्लिश? व्हाई आर यू स्पीकिंग? व्हाई आर यू स्पीकिंग? मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहते हो? व्हाई आर यू नॉट गोइंग विथ मी? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। I want to go with you. मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। I want to go with you because you are a good person. तुमने इस काम को किया। You can done this work. तुमने इस काम को किया है। You have done this work. तुमने इस काम को बहुत बार किया है। You have done this work many times. तुमने उस लड़के को पीटने की कोशिश किया है। You can try to beat this boy. You have tried मैं खाना बनाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू मेक। मैं बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्पीक। तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो बिना वर्ड मीनिंग के? हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश विदाउट वर्ड मीनिंग? तुम कैसे लिखते हो बिना पेन के? यू हाउ टू राइट विदाउट पेन? मैं बिना पेन के नहीं लिखता हूँ, मेरे पास पेंसिल है लिखने के लिए। आई डोंट राइट विदाउट पेन, आई हैव पेंसिल। तुम कहाँ रहते हो? वेयर आर यू लिव? Where do you live? तुम कहाँ पढ़ते हो? Where do you? मैं RCI में पढ़ता हूँ। I read in RCI. मैं RCI में पढ़ता हूँ, जिनका डायरेक्टर है जीके आनंद सर। I read in RCI, who is director of RCI? हाँ, वह एक अच्छे टीचर है। He is a good teacher. मैं उनको जानता हूँ। I know him. मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। I know him very well. मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने उनसे मैथ सीखा है। आई नो हिम वेरी वेल विदाउट आई लर्न मैथ विद हिम। फ्रॉम हिम मैंने उनसे केमिस्ट्री सीखा है। आई नो वेल वेरी वेल बिकॉज आई लर्न केमिस्ट्री विद फ्रॉम हिम। फ्रॉम तुम कैसे सीखते हो? हाउ डू यू लर्न? मैं अपने दोस्तों के साथ सीखता हूँ। आई लर्न विद माई फ्रेंड्स। तुम दोस्तों के साथ क्यों सीखते हो? व्हाई आर यू लर्निंग विद फ्रेंड्स? मैं अपने दोस्तों के साथ सीखता हूँ क्योंकि वो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आई हैव लर्न विद फ्रेंड बिकॉज ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। दोस्त हो गए थे या प्रॉब्लम हो गए तो दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। क्या तुमने मूवी देखा है? डू यू सीन द मूवी? Have you seen? क्या तुमने मूवी देखा है? Have you seen the movie? क्या तुमने उस मूवी को देखा है जिसका नाम गदर है? Have you seen this movie which name is गदर? मैंने मूवी को देखा है। Yes, I seen the movie. मैंने मूवी को 2 बार देखा है। Yes, I see movie with 2 times. क्या तुम गए? Do you go? क्या तुम गए? Have you go? Did you go? Did you? क्या तुमने लिखा? Have you write? Did you write? तुमने क्यों लिखा? Why did you write? कैसे लिखा? How did? राम क्यों गया? Why did Ram go? राम नहीं जाना चाहता था। Ram did not want to go. मैंने लिखने की कोशिश किया। I tried to write. मेरा भाई एक टीचर है। My brother is a teacher. मेरा भाई एक टीचर है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं पढ़ाने के लिए। My brother is a teacher, but yes, he has no knowledge of teaching. हाँ, he has no knowledge of teaching.
तुम्हारी बहन एक नर्स है लेकिन वो उसके पास डिग्री नहीं है। योर सिस्टर इज नर्स बट ही शी हैज नो डिग्री। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। यस आई टीच यू। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है, इस परिस्थिति में आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव टाइम यू इन दिस सिचुएशन यू कैन ज्वाइन दिस क्लास। मैं इस क्लास में दो सालों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड इन क्लास विद इन टू ईयर्स। फोर टू ईयर्स। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो विद यू। कोई लड़का है जो इस काम को कर सकता है बिना मदद के? इज देयर एनी ऑफ बॉय हु कैन हेल्प? हु कैन डू दिस? हु कैन डू दिस वर्क? तो आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं जल्दी से पूछना चाहता हूँ। कुछ तेजी से बोलिएगा। तो रैपिड फायर और टेंस से संबंधित है। आप बिल्कुल आराम से और तेजी से बोलिएगा, ठीक है? तुम गए, यू वेंट, राम गया, राम वेंट, स्वर्ण गया, स्वर्ण वेंट, सीता नहीं गई, सीता वेंट, डिड नॉट वेंट, सीता डिड नॉट गो। क्या तुमने खाया? डू यू ईट? क्या तुमने लिखा? डू यू राइट? कैसे लिखा? हाउ डिड यू राइट? मेरा नाम रोहित है। माय नेम इज रोहित। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास किताब है? हैव यू बुक? मेरे पास किताब नहीं है। आई हैव नो बुक। मैंने देखा। आई हैव सीन। तुमने देखा? यू सर। राम नहीं आया। राम इज नॉट कम। राम डिड नॉट कम। मोहन नहीं आया। मोहन डिड नॉट कम। मोहन नहीं आया। सोन डिड नॉट कम। खेलना चाहती थी सीता। वांट टू प्ले? मैं जाना चाहता था। आई वांट टू। क्या कोई लड़का है जो इस काम को कर सकता है? इज देयर एनी ऑफ बॉय हु कैन डू दिस वर्क? क्या कोई लड़की है जो खाना बना सकती है? इज देयर एनी गर्ल हु कैन मेक फूड? क्या कोई किसान है जो इस काम को कर सकता है? Is there any of farmer who can do this work? मैं जानता हूँ। I know you। मैं तुम्हारे family को जानता हूँ। I know your family। I know Rohit who is playing। Rahul जो मेरा दोस्त है। Rahul is my friend is going to school। मैं सुमन को जानता हूँ। I know Suman। I know Suman who is going to read। तुम कैसे लिखते हो? How do you write? तुम कैसे बोलते हो? How do you speak? कैसे खेलते हो? How do you speak? तुम्हारे पास common sense है? Have you common sense? मेरे पास common sense। Yes, I have common sense। मेरे पास common sense है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। I have common sense, so I am reading। मैं एक अच्छा student। I am good student. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I want to become doctor. मैं पायलट बनना चाहता हूँ। I want to become pilot. पायलट बनना मेरा सपना है। Become pilot is my dream. हाँ, क्रिकेट खेलना मेरा सपना है। Becoming cricketer is my dream. मैंने विराट कोहली को देखा है। I see विराट कोहली। I have seen Rohit Sharma। मैंने सूर्य कुमार यादव देखा। I have seen सूर्य कुमार यादव को Eden Garden में देखा। I seen सूर्य कुमार यादव in Eden Garden। मिलना चाहते हो? Do you want to see? क्या तुम रिंकू सिंह से मिलना चाहते हो? Do you want to meet with रिंकू सिंह? मैं रिंकू सिंह की तरह खेलना चाहता हूँ। Yes, I want to play like रिंकू सिंह। तुमने क्या बोला? What do you speak? क्या बोलते हो? What do you speak? तुम क्या खाते हो? What do you क्या सीखते हो? What do you learn? RCI में क्या सीखते हो? What do you learn in RCI? Do you love RCI? मैं RCI को पसंद करता हूँ। Yes, RCI ने मेरा जीवन चेंज कर दिया। Yes, I like RCI because he changed my life. मेरे साथ बहुत लड़के पढ़ रहे हैं। Many a student is reading with me. मैं उनको बोलना चाहता हूँ। I have to बोलना चाहता। I want to say। मैं कहना चाहता हूँ। I want एक अच्छा संस्था है। Is a good institute। आपको अगर ज्वाइन करना चाहिए। You can also join। Very good, thank you। तो आप जाएंगे और अभी कुछ और भी स्टूडेंट है हमारे सामने, तो वो भी आएंगे और वो भी दिखाएंगे कि उन्होंने कितना तैयारी किया है। और ये तैयारी का सिलसिला हम लोग के साथ चलते रहेगा क्योंकि वो काफी एक्साइटेड है। ये वीडियो इसीलिए शूट किया जा रहा है, उनके कहने पे शूट किया जा रहा है कि सर हम लोग सामने टेलीविजन से हम लोग को होता है कैमरा देख करके उसको सामना करना चाहते हैं, क्योंकि टीचर ने तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं लेकिन हम जब कैमरा का सामना नहीं करेंगे तो हमारा कैसे पता चल पाएगा कि आगे हमें कौन सा स्टेज पे जाना है, क्योंकि जीवन में तो कैमरा का सामना करना ही करना है सर। तो इन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पे ये किया गया। देखिए थोड़ा ये स्टेशन होता है मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन यही इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोग तैयार है और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अब अगले स्टूडेंट से मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आप अगले स्टूडेंट को भेज जाइए। आज अगले स्टूडेंट में आ जाएंगे आनंद आएंगे, ठीक है? आनंद किस क्लास में पढ़ते? व्हाट क्लास डू यू रीडिंग? सर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, यू रीड इन क्लास 10। आई विल आस्क सम क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड यू विल ट्रांसलेट क्विकली इनटू इंग्लिश। यस सर। ओके, यू विल नॉट फील नर्वस क्योंकि आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं कैमरे का सामना करूंगा। yes, और आज जब कैमरे के सामने है, ठीक
ठीक है, लेवल तो महसूस नहीं हो रहा है सर? ओके, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो डर के आगे जीत है, तो वो जीत को हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए कुछ पूछते हैं, है ना? मैं खेलता हूँ, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम जाते हो, यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम लिखते हो, डू राइट, मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास पेन है, आई राइट सो आई हैव पेन, मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक, मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट, मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, आई वांट टू हेल्प द पुअर बिकॉज ऑफ आई एम गुड स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ क्लास के बाद, आई एम प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर क्लास, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन आप तैयार नहीं है, आई वांट टू हेल्प यू बट यू आर नॉट रेडी, क्या आप बोलना चाहते हैं, डू यू स्पीक, क्या बोलना चाहते हैं, Do you want to speak English? क्या आप हिंदी बोलना चाहते हैं? Do you want to speak Hindi? क्या खेलना चाहते हैं? Do you want to play? क्या आप विराट कोहली से मिलना चाहते हैं? Do you meet to विराट कोहली? मैं विराट कोहली से मिलना चाहता हूँ। I wanted to meet विराट कोहली। क्या तुम गए? Did you go? क्या तुम खाए? Did you eat? क्या तुम लिखे? Did you write? क्या तुमने सीखा? Did you learn? तुमने क्या सीखा? What did you learn? तुमने क्या बोला? What did you speak? मैंने उस कार्य को किया जो कठिन था, आई विद द वर्क हु इज डिफिकल्ट, व्हिच वाज डिफिकल्ट, वेरी गुड, क्या तुम कहानी लिखना जानते हो, डू यू नो हाउ टू राइट योर स्टोरी, क्या तुम चाय बनाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू मेक टी, क्या तुम गरीबों को पढ़ाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू टीच द पुअर, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं मैथ जानता हूँ, आई नो मैथ, मेरा इंग्लिश कमजोर था, माई इंग्लिश वाज वीक, अब अच्छा है, नाउ गुड, क्या तुम लिखते हो, डू राइट, क्या कोई स्टूडेंट है जो मेरी मदद कर सकता है, इज देयर एनी स्टूडेंट Who help me? Who can help me? क्या कोई स्टूडेंट है जो अंग्रेजी बोल सकता है स्टेज पे? Is there many student who can speak English in the stage? On the stage. On the stage. On the stage. बिल्कुल, लेकिन आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? मेरा भाई सीख रहा है. My brother is learning. मेरा भाई कंप्यूटर सीख रहा है. My brother is learning computer. My sister is learning computer. मेरा दोस्त कंप्यूटर सीख रहा है. My friend is learning computer. रमेश कंप्यूटर नहीं सीख रहा है. रमेश is not learning computer. रमेश खेलने जा रहा है. रमेश is going to playing. रमेश खेलने जा रहा है क्योंकि रमेश के पास समय है. रमेश is going to playing because रमेश have time. मेरे पास समय नहीं है. I have no time. मेरे पास एग्जाम है. I have exam. मुझे पढ़ना है. I have to read. मुझे बोलना है. I have to speak. मुझे English बोलना है. I have to speak English. मुझे English बोलना हर हालत में. I have to speak English. Anyhow. मुझे किसी भी हालत में पास करना है. I have to pass anyhow. मुझे किसी भी तरीके से government job लेना है. I have to make a government job anyhow. मैं लिख रहा हूँ. I am writing. मैं बोल रहा हूँ. I am speaking. मैं पढ़ रहा हूँ. I am reading. मोहन आ रहा है. मोहन is coming. Swami is going. रोहन जा रहा है. रोहन is going. गीता पढ़ेगी. गीता will read. मोहन पढ़ेगा. मोहन will read. सोन पढ़ेगा. सोन will read. सीता आएगी. सीता will come. खेलने आएगी. सीता will come playing. हाँ, सीता खेलने के लिए आएगी इस वीक के बाद. सीता will playing after this week. मैं आपको जानता हूँ. I know you. मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ. I know your brother. आपको लिखना चाहिए. You should to write. आपको बोलना चाहिए. You should to speak. मुझे पेन की जरूरत है. I need to pen. मुझे लिखने की जरूरत है. I need to write. मुझे बोलने की जरूरत है. I need to speak. मुझे सीखने की जरूरत है. I need to learn. I am learning. मेरा भाई सीख रहा है. My brother is learning. मेरे भाई के पास knowledge है. My brother have knowledge. मेरे भाई के पास knowledge है पढ़ने के लिए. My brother have knowledge to read. देख सकते हैं स्टूडेंट कि इन्होंने काफी अच्छा मेहनत, मात्र महीने भर से आप आज आपका प्रैक्टिस चल रहा है, ज्यादा दिन से नहीं हुआ, लेकिन महीने भर में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा. आपको लग रहा है कि एक दो महीना और अगर बढ़िया से हुआ तो फिर हो जाएगा बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो आपके परफॉर्मेंस से काफी अच्छा लगा.
और मात्र महीने भर का इनका प्रयास है और देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है। अभी पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं और गांव से हैं तो समझ सकते हैं कि गांव के बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश पहले से ही कमजोर रहता है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत किया है मुझे काफ़ी प्राउड महसूस होता है कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं और ये काफ़ी मजबूती से अभी इनका और भी बनेगा। तो अगली बार में आप देखिएगा कि प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस देखते ही बनेगा और ये हमारा बच्चा है और ये काफ़ी अच्छा प्रयास करेगा। तो हम आपसे काफ़ी प्रसन्न है, आपके परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा? यस सर। ओके, तो आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, नेक्स्ट टाइम वी सी यू वेरी सून एंड आई एम श्योर दैट यू परफॉर्म वेरी वेल, ठीक है आनंद जी, बहुत अच्छे से आइए, अपना सीट लीजिए, ठीक है, जाइए। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस ये जो हमारा उद्देश्य है, हमारे गांव के बच्चे को इंग्लिश की शिक्षा नहीं मिलती और जब वो बड़े बड़े स्कूल में जो बड़ी